फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल हमारे कबीले पे काबिज होना चाहता है। तुमने क्या समझा है मुझे? क्या मैं उस अर्तुरुल के सिपा सालार को अपनी सरदारी हथियाने दूंगा? हाँ, राजदारी के साथ वहाँ आना है, समझे? अगर किसी को मालूम हो गया तो घोड़ा नहीं आएगा, याद रखना तुम। हाँ, याद रखूंगा। अगर खुद पर इतना ही यकीन है तुम्हें तो जिरगे में आकर मुझसे सरदारी ले सकते हो। पहिए को बेकार बनाकर काफले को रोक दिया है उसने। हाँ भाई, काफले को यहाँ पर रोक कर उसने बहुत अच्छा काम किया है। अर्तुरुल सब जानता है, वो आज रात किले का मुहासरा करेगा। हमारी तदबीर के मुताबिक मैं उसके बेटे को आपके पास ले आऊंगा। मैंने तुम्हारे बेहतरीन दोस्त की जान बचाई और तुमने मुझे क्या सुना दिया? अर्तुरुल, yom vereyim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kabaçın kesilmesin, kan gibi akan görklü suyun kurumasın, kanatlarının ucu kırılmasın, koşarken akboz atın sürçmesin. Şükür es o gaya. साफजी हमें इतना मसरूफ रखता है कि गुंदस का ख्याल ही नहीं आता। ये रुकना तो जैसे जानता ही नहीं। माशाल्लाह, तुम अर्तुरुल को देखती, एक लम्हा भी मुझे सांस नहीं लेने देता था। अलजी जैक, गुंदस कहाँ है? वो तो कह रहे थे उन्हें नींद आ रही है। वो तो ये कपड़े कभी नहीं उतारता। सिपाही का लिबास तो वो कभी नहीं उतारता बेटी, कहां चला गया ये? उसकी टोपी भी यही है। वालिदा, मुझे ये अच्छी अलामत नहीं लग रही, आप इजाजत दीजिए, मैं गुंदूस को ढूंढने जा रही हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। ठहरो, परेशान मत हो बेटा, तुम जाके ढूंढो उसे, मैं यहीं रुकती हूँ साहब जी के पास। मुझे यकीन है वो कबीले में ही होगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ हलीमा सुल्तान। अलजी जैक, तुम कुएं के पास जाकर तलाश करो उसे, मैं हफ्सा के साथ तरबियत गाह में ढूंढती हूँ। जैसा आपका हुक्म।
हफ्सा मेरे साथ चलो। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। सुनो, क्या पहिया अभी तक ठीक नहीं हुआ? सुन क्यों नहीं रहे, पहिया ठीक हो गया? तकरीबन हो गया है। कौन हो तुम? तो आप अर्तुरुल जैसे असीम तुर्क के बेटे को अगवा कर लेंगे? वाकई आप एक काबिल चमचू होने के साथ साथ अजीम कमांडर भी हैं। हमें तनहा छोड़ तुम्हारी। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? उसका बेटा जब तक मेरे पास होगा, वो किले पर हमले की जरूरत नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। अब तुम बताओ, बहादुर से बातचीत कैसे रही? बहादुर साहब ने वक्त आने पर आपको उनके अपने औताक में मधु करने का कहा है। अपने औताक में? इसका मतलब समझते हो कोस्तस? बहादुर असलिहान से उसका औताक जबरदस्ती छीन लेगा। अर्तुरुल की मौजूदगी में वो ऐसा कैसे कर पाएगा? वो एक दूसरे के खून से शराब होंगे कोस्तस, बस इतना ही काफी है। ए, तुमसे बात कर रहा हूं, चेहरा दिखाओ अपना, कौन हो तुम? तुम्हारी मां हूं मैं। लानत हो तुर्कों पर। सिपाही हो? अच्छे अल्लाह, अच्छे अल्लाह। चलो मेरे सिपाही, चलो मेरे बहादुरों, मजा चखा दो अपनी तलवार का इन काफिरों को। रुकना मत जब तक तलवारें इनके खून से रंगीन न हो जाए। हस्ते अल्लाह। हम पर रहम फरमा यार, आखिर जा कहां सकता है इतना छोटा बच्चा? हम उसे ढूंढ लेंगे, बस आप हौसला रखें हलीमा सुल्तान। हफ्सा, तुम्हें पता है उसकी मुझे कितनी फिक्र रहती है, न जाने कहां निकल गया होगा अब तक वो। वो मिल जाएगा जैक। कहीं नहीं मिले वो हलीमा खातून, हमने कुएं के अतराफ में हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं मिले। अल्लाह हिफाजत करे, हमने कुएं के अंदर भी देख लिया हलीमा सुल्तान, तरबियत गांव में भी नहीं है वो। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं हफ्सा। पहरे पे मौजूद सिपाहियों को खबर करते हैं, उनसे भी ढूंढने के लिए कहते हैं। बच्चा है, कहीं छुप गया होगा यकीन। अलजैक, तमाम सिपाहियों को खबर कर दो जाकर, और कुंदूस को तलाश करने का कहो। इस तरह लापता हो जाना अच्छी अलामत नहीं है। वालिदा और आर्तुक भाई को भी खबर कर दो। हफ्सा, तरबियत गा के पीछे चल के देखते हैं, जल्दी चलो। क्या हुआ बेटी, मिल गया कुंदूस? वो हमें कहीं पर भी नहीं मिले।
हलीमा खातून और सिपाही उन्हें तलाश कर रहे हैं। या अल्लाह, हम पर अपना रहम कर, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। तुम यहाँ रुको, साफ जी का ख्याल रखना। जैसा आपका हुक्म। घोड़े, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाएं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। चलिए आइए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। कबीले चलिए मेरे साथ। नहीं, आप चले जाएं, मैं उड़ने वाला घोड़ा देखूंगा। कैसा उड़ने वाला घोड़ा? ये क्या कह रहे हैं? दारियूस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दारियूस, इनसे कहे यहाँ से चली जाए ताकि मैं उड़ने वाला घोड़ा देख सकूं। दारियूस, गुंदुस, आप कभी ले जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? जैसा कह रहा हूँ वैसा करें। गुंदुस, गुंदुस कभी ले जाएं। शर्मानी चाहिए तुम्हें, जिस हाथ ने तुम्हें खिलाया उसी को काट रहे हो। गुंदुस, यहाँ मैं, मेरी मदद करें। गुंदुस, क्या हुआ तुम्हें? भाई हौसला रखो, किसने किया तुम्हारे साथ ये? बताओ मुझे, किसने किया तुम्हारे साथ ये? अल्लाह खैर करे। समसा, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ मालूम नहीं हलीमा सुल्तान, ये सिपाही मुझे जख्मी हालत में मिला यहाँ। बताओ मुझे क्या हुआ था, किसने किया तुम्हारे साथ ये? दारियूस। दारियूस ने?
गुंदुस दारी, उसने गुंदुस को अगवा कर लिया है। क्या मतलब गुंदुस को अगवा कर लिया? गुंदुस, गुंदुस। हलीमा खातून, अब हम क्या करेंगे अफसा? तुम अगर जमीन के अंदर भी चले जाओ तो हमसे नहीं छुप सकते बलू। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अर्तुरुल हो तुम? तुम भी इसके आदमी हो? हाँ, मैंने ये गलती कैसे कर दी? तुम जैसे ताजिर हमारी ताकत को नहीं समझ सकते। अपनी सांसें संभाल कर रखो, तुमसे बहुत कुछ जानना है अभी। इसका क्या करना है भाई? पहले हम इससे तफ्तीश करेंगे बमसी। हमला रात के वक्त होगा, अभी कोई गार ढूंढो ठहरने के लिए। इस मनून से वहीं तफ्तीश करेंगे। मारे जाने वाले सिपाहियों का लिबास अगर अच्छी हालत में है तो उठा लो। इस मनून को भी लेकर चलो। जो आपका हुक्म भाई। हलीमा सुल्तान, यहां पर बहुत खतरा है, हमें कबीले वापस चलना चाहिए। सौम से ये तुम क्या कह रहे हो? गुंदूस के बगैर मैं कबीले नहीं जा सकती। सिपाहियों फौरन कबीले में खबर करो, गुंदूस अगवा हो गया है और दारियूस ने किया है ये सब। मेरे बच्चे को अगवा कर लिया, गुंदूस को अगवा कर लिया। हलीमा सुल्तान, हम ढूंढ लेंगे उसे, वो मिल जाएगा। गुंदूस के बगैर कबीले नहीं जाऊंगी मैं। सिपाहियों चलो चलो। गुंदूस, Yeah.
समीदार एरिस के गुलाम, कहाँ जा रहे थे तुम? हाँ छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तुम जा नहीं सकते कुंदूस, तुम्हें एक सलीबी सिपाही बनना है। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। जिद करोगे तो मार जाओगे तुम। छोड़ो मुझे, मेरे बाबा तुम्हें और एरिस को भी मार देंगे, छोड़ो मुझे। उन्हें पहले तुम्हें हमसे बचाना होगा, समझे? कातिल, सिपाही को मार दिया तुमने, मेरे बाबा तुम्हें पकड़ लेंगे, देखना। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ। ने अगवा कर लिया, गुंदोस को अगवा कर लिया है। जानती हूँ बेटी, परेशान ना हो, ढूंढ लेंगे मुझे। सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे वो। ढूंढ लेंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल बेटी। गुंदोस, गुंदोस, आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, गुंदूस को दारी उसने अगवा कर लिया है। आपको कुछ पता चला उसके बारे में? वो मलून यहाँ से निकल चुका है हलीमा सुल्तान, और अपना घोड़ा भी कबीले में छोड़ गया है। यानी वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता वो। लेकिन गुंदूस को अगवा करने की क्या वजह हो सकती है आर्तुक साहब? मुझे लगता है कि इस कार्रवाई में उस जमींदार एरिस का हाथ है। मखानम, गुंदूस को उसी ने अगवा करवाया है। वो मलून जब तक मर नहीं जाता हमें सुकून नहीं मिलेगा। गुंदूस को ढूंढे बगैर कबीले नहीं जाऊंगी मैं। हम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। या सिपाही, जल्दी से अर्तुरुल भाई के पास जाओ और इस सूरत हाल से आगाह करो उन्हें। जैसा आपका हुक्म आर्तुक भाई। हम अपनी तलाश जारी रखेंगे। सिपाहियों, चलो सिपाहियों। जल्दी करो, जल्दी सिपाहियों। गुंदूस, गुंदूस। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ। आपने मुझे याद किया था तुर्गुत भाई। तुम आज से चावदार कबीले में मेरे साथ रहोगे। बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी निभानी है। गिरजा को बहादुर के ताकुब में भेजा था मैंने, लेकिन काफी देर से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अतराफ का जायजा लो जाकर। जो हुक्म आपका। हमने शिकार किया और तरबियत की आपके हुक्म के मुताबिक। तलवारों को इंतकाम के लिए तेज किया बाबा। हम सब बिल्कुल तैयार हैं और आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहादुर सिपाहियों, हमने बेशुमार जंगों में कई दुश्मनों के सर
वतन से जुदा किए हैं। हमारा कोई दुश्मन हमारे सामने ठहर नहीं पाया और अब मलूनों का जोड़ा हमारा हक हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। वो हमें कमजोर समझकर दीवार से लगाने की कोशिश में है। क्या हम उन मलूनों को छीनने देंगे अपना हक? हरगिज भी नहीं। हमें कोई भी दीवार से नहीं लगा सकता। और अब अपनी तलवारों से दुश्मनों का खून बहाने का वक्त आ गया है। हम अपने कबीले में तलवारों के साथ जाएंगे अपनी और अपना हक खून बहा के हासिल करेंगे। खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाएंगे। तुम हमारा ताकुब कर रहे थे। गिरजा फरार हो रहा है, पकड़ो उसे, पीछा करो उसका। गुंडूस, 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 हमें आवाज दीजिए, गुंडूस, 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 हमें आवाज दीजिए, गुंडूस, 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 आवाज दीजिए हमें। भाई, भाई हमें कुछ निशानात मिले हैं। कहाँ है? बताओ मुझे कहाँ है। मेरे साथ आइए, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? बादशाह तुम लोगों से इस बात का इंतकाम लेंगे। तुम लोगों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुम्हारे बादशाह ने मेरे ताकुब में बहुत से लोग भेजे, मैंने सबको खत्म कर दिया, तो तुम्हें कैसे बचाएगा वो? अब सवाल का जवाब दो मुझे, क्या मजीद लश्कर भी पहुंचेंगे यहां पर? बहुत बड़े बड़े लश्कर पहुंचेंगे, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े लश्कर। तुम सब तबाह हो जाओगे। इंतकाम लेने के लिए हम कभी नहीं रुकेंगे। वो अगर चाहे तो कुल जहां के लश्कर भी ले आए, तुर्कों के साथ खुले मैदान में जंग करना किलों में और महलों में बैठकर साजिशें करने जैसा नहीं है। यह सरजमीन वतन है हमारा, एक एक कतरा अपने लहू का बहाकर कयामत तक हम यही मुकीम रहेंगे। मुझे कैद करके और मारने से क्या हासिल होगा? आखिर क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे बादशाह ने इन सिपाहियों को हमारे खिलाफ जंग करने के लिए भेजा था कारा जैसार की तरफ। अब हम इन सिपाहियों की वर्दियों में कारा जैसार के ले जाएंगे।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। हर किस नहीं, कल जब मैं जमींदार एरिस का सर कलम करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या कर सकता हूं मैं। वो सर लेकर तुम जाओगे और मेरी फतह से नीकिया को बाखबर करोगे। असलेहान और तुर्गुत के पालतू, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें हमारे ताकुब में भेजा था और अब तुम उन्हें जाकर खबर दोगे हमारे बारे में। हाँ, जो करना चाहते हो कर लो, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं। तुम्हारा खौफ वैसे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा गिरजा। परेशान मत हो, वो कबीला हमारा है। बहुत जल्द तुम्हारी सरदार और तुम्हारा सिपा सालार तुमसे आन मिलेंगे। हाँ और तुरुल साहब जिन्होंने तुम्हें घुटनों पे झुका दिया उनसे कबीला हासिल करोगे तुम? तुम्हारी इतनी जरूरत ही नहीं है। हमारे अर्तुरुल सरदार और तुर्गुत भाई इंतकाम लेंगे तुमसे। तुम एक बार फिर अपने घुटनों पर झुक जाओगे, लेकिन इस बार तुम अर्तुरुल साहब की तलवार से खुद को नहीं बचा पाओगे। क्या हमें कबीले में इसका सर काट कर ले जाना चाहिए बाबा? जल्द हमारे नेजों पर इसके मालिकों के सर बुलंद होंगे, इसलिए इस पालतू के सर की कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ अपना कबीला हासिल करने का वक्त है, मेरी खबर का इंतजार करना। ये है वो निशाना जो हमें मिले हैं। पहाड़ की गार की तरफ ही निशाना इशारा कर रहे हैं। या अल्लाह, हमारी मदद कर मेरे मालिक। जल्दी चलिए अर्तुक भाई, यहाँ इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। या अल्लाह। बिस्मिल्लाह, जल्दी चलिए। गुंदूस! 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 गुंदूस साहब! गुंदूस! गुंदूस साहब! सुल्तान मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं कोकतू? मुझे इल्म नहीं अमीर हजरत, उनका कासिद आया था खबर लेकर। उन्हें यकीनन हकीकत का इल्म हो गया है। अगर अर्तुरुल को उस पादरी की गार का पता चल गया तो तुर्कुत और असलेहान के साथ जो कुछ भी हुआ उसका शुबा वो आप पर करेंगे। उससे पहले
सुल्तान मौसम को जहर देने का जिम्मेदार वो मुझे ही ठहराएंगे। अमीर हजरत, अर्तुरुल के शुबात भरे पैगाम को हमें सुल्तान तक पहुंचने से रोकना होगा। अर्तुरुल कभी भी ऐसे हसास मसाइल से सुल्तान को खत लिखकर आगाह करने की गलती नहीं करेगा। वो बजाते खुद आकर सुल्तान को इन शुबात से आगाह करेगा। अमीर हजरत, सुल्तान आपके मुंतजर है। मेरे मुखबिरों ने मुझे खबर दी है सादतीन। कैसी खबर सुल्तान मौसम? असलहान खातून और तुर्गुत सिपाही को किसी ने जहर देके मारने की कोशिश की है। कौन कर सकता है ये? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मकसद क्या हो सकता है उनका? मुमकिन है कि अर्तुरुल जैसे मजबूत सरदार आलम को कमजोर करना चाहते हो सुल्तान मौसम। सुल्ताने मौसम, आपको मिलने वाली इस खबर से और मेरे पास मौजूद सबूत के जरिए इस मामले की गुत्थी सुलझती जा रही है। ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास सादतीन? बादशाह के लिए काम करने वाले और आपकी जान लेने की कोशिश करने वाले गद्दार कोनिया में मौजूद हैं। इस बात का पूरा यकीन है मुझे। खबरदार, जो आइंदा महल में काम करने वाले मेरे वफादारों की तुमने गीबत की सादतीन, तुम्हें इस बात की भारी कीमत चुकाना होगी। आपको जहर देने वाले और अर्तुरुल पे हमला करने वाले गद्दार किसके लिए काम करते हैं मैं जानता हूं। उस शख्स का नाम अच्छी तरह जानता हूं मैं। गिरजा अभी तक वापस नहीं आया, कहां हो सकता है वो? उसका अब तक कबीले ना लौटना अच्छी अलामत नहीं। और सिपाही को पीछे भेजा है, डर है उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। यही डर मुझे भी है तुर्गुत। बहादुर किसी भी हद तक गिर सकता है। वो सरदारी की लालच में, खून की प्यास में हर चीज भुला बैठा है। अंदर आ सकता हूं तुर्गुत भाई? आ जाओ। तुर्गुत भाई, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन किरजा कहीं पर भी नहीं मिला। सिपाहियों ने भी नहीं देखा उसे। ये कैसे मुमकिन है? असलहान, मैं यहां इस तरह नहीं बैठ सकता। जरूर यहां कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। मुझे खुद यह मामला देखना होगा। तुर्गुत रुक जाइए, इस वक्त आपके लिए जाना ठीक नहीं। आपको आराम की जरूरत है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। सिपाहियों को भेजते हैं आप। और यहां नहीं रुक सकता मैं असलहान। सिपाहियों को जाकर देखना होगा मुझे। तुर्गुत रुक जाइए आप। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। बताओ मुझे, एकतरीना वो तो उराल की बेवा है। बिल्कुल, निकिया और आपके महल में मौजूद गद्दारों के दरमियान राब्ते का काम करती थी वो। इसका क्या सबूत है सादतीन? पादरी है एक ईसाई मजहब का,
जहर बनाने का माहिर माना जाता है। वो एकतरीना के उस पादरी से रवाबित हैं। बावसुख सराय से मालूम हुआ है मुझे। एकतरीना ने ही उसे कहा था जहर तैयार करने के लिए। आपके हानली बाजार जाने के बारे में महल में मौजूद गद्दारों से ही पता चला था उन्हें। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया बल्कि अर्तुरुल साहब पे सफर जंग के दौरान हमलावर भी हुए। कहाँ है वो खातून? लेकर आओ उसे मेरे पास। अभी पता चला है कि वो खातून मारी जा चुकी है। गद्दारों को जब उसकी नाकामी का इल्म हुआ होगा तो उन्होंने उसे मार दिया। अब उनके शैतानी हाथ असलेहान खातून को रास्ते से हटाने में मसरूफ है। अगर आपकी इजाजत हो तो महल में मौजूद हर गद्दार को आपके सामने लाना चाहता हूं मैं। इस मसले को मैं आपकी दी गई मोहलत के दौरान हल करने की कोशिश करूंगा। बसूरत दीगर आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा। गुंदूस, 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 क्या ये गुंदूस का है हलीमा सुल्तान? कुंदूस, ये उसी का है अर्तुरुल भाई। उस मालून ने यकीनन यहीं पना ली थी। या अल्लाह हमारे बेटे को हमसे दूर ना करना। अपने हाथों से मार डालूंगी उसे मैं। संभालो अपने आप को। वो मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता वालिदा। जाने दीजिए मुझे। हलीमा छोड़िए मुझे, छोड़िए। हलीमा बात सुनो मेरी, हम ढूंढ लेंगे उसे, जरूर ढूंढ लेंगे। परेशान ना हो हलीमा, आर्तुक साहब ने अर्तुरुल को खबर भिजवा दी। कबीले वापस चलना चाहिए हमें। अर्तुरुल उसे ढूंढ के ले आएगा मेरी बेटी। वो जिंदा नहीं बचेगा। संभालो, संभालो खुद को। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ताजर नीको बनकर तुम दाखिल होगे किले में। चंद सिपाही भी तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन इस आंख से अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? उसे यकीनन किले पर हमले के बारे में मालूम हो गया होगा वालिदा। किले पर हमले से बचने के लिए ही उसने गुंदूस को अगवा किया है। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एरिस। मैं बाबा का बहादुर सिपाही हूँ, नहीं डरता किसी से। तुम और तुम्हारा बाप दोनों जान दूं मैं चाहूं।